2014 लोकसभा चुनाव के सबसे बड़े दौर के मतदान में भी हुई बंपर वोटिंग। 121 सीटों के लिए 1769 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। लोकसभा के पांचवें चरण के लिए दिग्गजों ने डाले वोट। अशोक चव्हाण, रामकृपाल यादव, सचिन पायलट, सुप्रिया सुले, सुशील शिंदे, वसुंधरा राजे ने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डालकर किया जीत का दावा। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पर केस दर्ज। मीसा पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप। पाटलिपुत्र से आरजेडी के उम्मीदवार है मीसा। वाराणसी से कांग्रेस के टिकट पर अजय राय ने किया नामांकन। नरेंद्र मोदी और केजरीवाल से होगा मुकाबला। और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर चिदंबरम का बड़ा हमला। वित्त मंत्री ने मोदी को बताया एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, झूठे होने का भी लगाया आरोप। नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन नाग। देश के 12 राज्यों की 121 सीटों पर आज मतदान के साथ ही 759 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में बंद हो गई है। अभी तक के सभी चरणों में सबसे ज्यादा अहम आज का ये पांचवा राउंड रहा। इस चरण में उम्मीद से परे बम्पर वोटिंग हुई। इस राउंड में हुई वोटिंग का मिजाज हिंदुस्तान की अगली सरकार की किस्मत का फैसला करेगा। एक ओर जहां कांग्रेस इस चुनाव के साथ हिंदुस्तान में अपनी हैट्रिक लगाने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी मोदी की लहर के सहारे बहकर देश में अपना कमल खिलाने के लिए बेताब है। अभी तक के सभी पांचों चरणों में पिछले चुनाव के मुकाबले वोटिंग की प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वोटिंग का ये प्रतिशत किसके लिए और कितना किसके लिए फायदेमंद है ये साबित होगा चुनाव पेटी खुलने के बाद। इंतजार कीजिए। एक सौ इक्कीस और सीटों का हुआ हिसाब। आधे उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में। पांचवा फेस ही तय करेगा सरकार। 16वीं लोकसभा के चुनाव में पांचवें चरण में जैसी उम्मीद थी, आज उससे कहीं ज्यादा जमकर वोटिंग हुई। देश के 12 राज्यों की 121 सीटों पर आज हुए अहम मतदान के साथ चुनाव की करीब करीब आधी और महत्वपूर्ण जंग पूरी हो गई। पिछले चार चरणों को मिलाकर अभी तक 249 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में बंद हो चुका है। लेकिन अभी तक सभी चरणों में सबसे ज्यादा अहम रहा आज का राउंड। पांचवें राउंड में 12 राज्यों के लिए जमकर वोटिंग हुई। वोटिंग का मिजाज ये तय करेगा कि हिंदुस्तान में अगली सरकार किसकी बनेगी। आपको बता दें कि आज पांचवें चरण में 121 सीटों के लिए चुनाव में 46 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हुई, तो वहीं 43 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की। इस चरण में बीजेपी के पटना साहिब से शत्रुघ्न सिन्हा, पीलीभीत से मेनका गांधी, राजद से बगावत कर बीजेपी में पहुंचे पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, दक्षिण बेंगलुरु से कांग्रेस के उद्योगपति नंदन निलेकणी, गुना से कांग्रेस के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजमेर से सचिन पायलट सरीखे दिग्गजों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। पांचवे राउंड में हुई जबरदस्त वोटिंग से समा तो बीजेपी का ही बनता दिखाई पड़ रहा है, और इस राउंड के बाद देश में बीजेपी और एनडीए को लेकर सवाल और चर्चा जोर शोर से होनी शुरू हो गई है। एनडीए सरकार बनाने में कामयाब रहेगी? एनडीए को जरूरी बहुमत मिल पाएगा? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने में सफल होंगे?
ये सवाल और ऐसी चर्चाएं इसलिए होनी शुरू हो गई हैं क्योंकि केवल और केवल आज ही नहीं बल्कि अभी तक के सभी पांचों चरणों में पिछले चुनावों के मुकाबले वोटिंग के प्रतिशत में जबरदस्त इजाफा हुआ है और चल रही सत्ता विरोधी लहर को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वोटिंग प्रतिशत में आए इस उछाल का फायदा बीजेपी और एनडीए को होगा। मनीष शर्मा, चैनल वन न्यूज। जी तो देश में ये पांचवें दौर का चुनाव भी संपन्न हो गया और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए स्टूडियो में तैयार हैं और हमारे साथ हैं जो मेहमान उनमें भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर राय, कांग्रेस के अनीस दुर्रानी और वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा इस चर्चा में शामिल होंगे। पहला सवाल अनीस दुर्रानी से। अप्रैल 2004 में आपकी पार्टी के मैनेजरों का एक बयान आया था और ये कहा था कि अधिक मतदान का मतलब ये है कि लोग बदलाव चाहते हैं। तब 10 साल पहले की ये बात है। अभी जो मतदान में वृद्धि हुई है, क्या आप उसी स्टैंड पे हैं जिसमें आपके लोगों ने कहा था कि ये बदलाव का संकेत है? देखिए, 10 साल तो बहुत एक लंबा समय होता है और इसमें उस ट्रेंड के बारे में आपके लोगों ने ही कहा था, ये फाइंडिंग थी आपके लोगों की? मैं वही अर्ज करूँ कि 10 साल बहुत लंबा अरसा होता है और परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। ये जो बढ़ोतरी इस वक्त हुई है, मैं समझता हूँ ये किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ ज़्यादा नहीं है, बल्कि बेसिकली जो इलेक्शन कमीशन ने एफर्ट करी है, लोगों को अपने अधिकार के तहत कॉन्शियस बनाने के लिए प्रयास किए हैं, ये उसका नतीजा है। और ख़ास तौर से जिस तरह से युवा पीढ़ी के अंदर उन्होंने एक जिम्मेदारी का एहसास पैदा कराया टेलीविज़न के ज़रिए, अदाकारों के माध्यम से और प्लेयर्स के माध्यम से, ये सब उसके नतीजे में वोटिंग परसेंटेज सब जगह बढ़ा है। अब ये किसके फेवर में गया ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इसके बारे में मैं कोई ये जो छठे डिकेडल ग्रोथ है उसमें लगभग 10.5 करोड़ नए मतदाता जुटे हैं जिसका उल्लेख आपने नहीं किया। चंद्रशेखर राय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चंद्रशेखर राय, इस ये जो बढ़ोतरी हुई है मतदान के फीसदी में, उसको आपकी पार्टी किस रूप में देखती है? मेरा ये मानना है कि जो कारण गिना रहे हैं अनीस दुर्रानी, आप उससे सहमत? निश्चित रूप से चुनाव आयोग का जो प्रयास है उसमें वोटों की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वोटों का जो रुझान है मैं उस बारे में कहना चाहता हूं कि युवा वर्ग जिस तरह से जुड़ा है और पिछले 10 सालों में जिस तरह से कांग्रेस का भ्रष्टाचार रूप दिखाई दिया है और लोग उससे त्रस्त हुए हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में रुझान रही है। रुझान तो 16-15 मई के आसपास आएगा, रुझान तो आप देख रहे हैं देश में जो लहर चल रही है मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं ये महसूस करा रही है कि इस समय लोग 10 साल के कुशासन से त्रस्त थे और जम करके उन्होंने वोट दिया है। जी, तो 2004 में भी एनडीए के कुशासन से लोग त्रस्त थे, लिहाजा उन्होंने वोट दिया। आप कुछ कहते रहे लेकिन जो इस वक्त है वो मैं आपको बता रहा हूं। शिवाजी सरकार में आपको आता हूं, उसके पहले मनोज वर्मा के पास। मनोज वर्मा, ये जो तर्क दिए जा रहे हैं कि बीजेपी और मोदी की लहर है और इन्होंने कहा कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ने कई स्टैंड लिए, कई तरीके अपनाए, लिहाजा बड़ी संख्या में वोटर वोट देने के लिए आए, इस तरह के जब वोट बढ़ते हैं तो एक आम समझ, एक आम अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि लोग बदलाव चाहते हैं। राजीव जी, देखिए जिस तरह मतदान का प्रतिशत देश में बढ़ा, निश्चित रूप से ये चुनाव आयोग और स्वयंसेवी संस्थाएं और मीडिया सबका, पूरे देश का इसमें सहयोग कहा जाएगा कि लोगों में एक अपने मत अधिकार का प्रयोग करने की जागरूकता आई। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल या डेढ़ दशक की राजनीति को देखें, जितने चुनाव हुए उसमें, अब इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि जनता सिर्फ बदलाव के लिए वोट देती है। अब जनता इस बात के लिए वोट देती है कि किसने काम किया, उसके लिए वोट देती है। आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आप देखिए किस तरह मतदान, भारी भरकम मतदान हुआ और वहां सरकारें पुनः चुनके आईं। ऐसी कई दूसरे राज्य हैं जहां पर गैर भाजपा सरकारें चुनके आईं। तो इस बात में अब दम नहीं रहा कि सिर्फ बदलाव के लिए वोट देते हैं। हालांकि जो इस बार का मतदान हो रहा है देश में, उसमें देश के सामने कई बड़े मुद्दे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सुशासन है, कुशासन है और तमाम सी चीजें ऐसी हैं, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता के मुद्दे भी लोग उठा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे देश के सामने हैं और निश्चित रूप से इसमें एक सबसे बड़ा पहलू जो है वो युवा मतदाताओं का है, उन मतदाताओं का है जो पहली बार वोट दे रहे हैं, इसलिए मतदान प्रतिशत अधिक दिख रहा है हमको। शिवाजी सरकार, आप पुराने जर्नलिस्ट हैं, कई चुनाव आपने देखे हैं,
2014 के इस चुनाव को लेकर कई सर्वेक्षण, कई अध्ययन, कई सर्वे रिपोर्ट्स आई। ताज़ा सर्वे रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी खुश है, जबकि कांग्रेस ने ऐसे रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा है कि तो मैनिपुलेटेड है। देखिए, कांग्रेस को भी ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल खास करके चुनाव के वक्त में ये तो नहीं मान सकती है कि वो कहीं से भी पिछड़ जाए जी। तो इसलिए कांग्रेस ने जो कहा है राजनीतिक रूप से, मैं समझता हूँ उन्होंने सही किया है, क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर वो मान ले इस बात को तो इसका और बुरा परिणाम ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कांग्रेस का ये सोचा समझा अच्छा, मेरे ख्याल में अच्छा स्टैंड है कि उन्होंने ये कहा है कि इसका कोई खास मतलब नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है, जैसा भी है उन्होंने कहा। पर दूसरी चीज़ अगर हम देखें जी, जो कांग्रेस की ही अगर वास्तविकता को हम देखें, आज ही आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो नॉमिनेशन फाइल करने से मना कर रहे हैं। आज सोनिया गांधी की जो रैली हुई है करीमगंज में तेलंगाना में, वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने उम्मीद की थी, जिस प्रकार से लोग आएंगे, उसके एक चौथाई भी नहीं पहुँचे। ठीक है, सही, जैसे सुषमा स्वराज की रैली में मध्य प्रदेश में लोग शिवपुरी में नहीं पहुँचे। बिल्कुल, कई जगह ऐसे होता है जी। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका असर हमें देखने को मिलता है, और कांग्रेस के लिए आपने सुषमा स्वराज क्या मोहभंग की स्थिति है नेताओं के साथ, या फिर मतदाता अब ऊब गए हैं इन चीज़ों से? कौन सी चीज? दोनों, चाहे वो करीमगंज का मामला हो या शिवपुरी का मामला हो। नहीं देखिए, शिवपुरी के बारे में आप सब ज्यादा जागरूक होंगे जी। आप थोड़ा सा, मैं आपको अपडेट कर दूं, लेकिन शायद वो उनका खुद का अलग आकलन है। शिवपुरी में एक करीमगंज का भी करीम नहीं, शिवपुरी में जो हुआ वो बीजेपी के नेताओं के बीच में कुछ मतभेद था या नहीं पहुंचे, या उसके उसमें बीजेपी के नेताओं के वर्कर नहीं पहुंचे, लोग नहीं पहुंचे, तो लोग थे वहाँ, लोग वहाँ थे, समाज को तौबा करना पड़ा, उस रैली में नहीं गए, कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए जी, इसकी नाराजगी थी। इसके लिए आप ये कहें कि करता तो 5-5 घंटे नेता का वेट करते हैं, समय से क्यों नहीं पहुंचेंगे नेता पहुंचेंगे जी? इसके लिए शिवाजी सरकार नहीं, वहां तो नेता पहले पहुंच गए थे, कार्यकर्ता उनको लेने नहीं पहुंचे, वो ट्रक अवेलेबल, ट्रक वगैरह अवेलेबल नहीं होगा जी, जो भी। तो ये सारी चीजें जो है, देखिए अगर हम सिर्फ एक पक्ष से देखते हैं तो नहीं, जिस तरह से चुनाव में पूरे उसमें अगर देखें, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवे हर फेज में जिस प्रकार से वोटिंग का पैटर्न हम देख रहे हैं, वो 60-75 कई जगह 85% तक रहा है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो प्रयत्न किए गए इलेक्शन कमीशन, स्वयंसेवी संस्थानों, मीडिया, ये सारी चीज़, उसका असर कुछ होगा ज़रूर, पर यह कहना कि सिर्फ उसी का असर है, मैं ये नहीं मानता। ऐसे प्रयास पहले भी किए गए, पर उसका जो पूरा असर है जब चुनाव में वोटिंग देखने को मिलता है, उस तरह से लोग नहीं आते। इस बार जिस तरह से लोग चुनाव में आ रहे हैं, और सिर्फ एक ही, यही नहीं कि एक क्षेत्र में आ रहे हैं, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से हाई टर्नआउट हमें देखने को मिल रहा है, उसका मतलब तो लोगों में एक आशा और निराशा दोनों का ही एक रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ। जी, तो हम आज के भारी भरकम मतदान पर बातचीत कर रहे हैं, और हमारे साथ हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार शिवाजी सरकार, कांग्रेस के नेता अनीस दुर्रानी, और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंद्रशेखर राय, और हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा। सवाल चंद्रशेखर राय से। चंद्रशेखर राय, आपकी पार्टी काफ़ी खुशफहमी पाले बैठी है इस मतदान के फीसदी बढ़ने से। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा आप खुशफहमी क्यों कह रहे हैं। आप इससे क्योंकि आपके लोगों को लग रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार बनने जा रही है। आप विधानसभा के रिजल्ट देखिए, आत्मविहोर हैं आप, विधानसभा रिजल्ट देखिए। मैं आपको जानकारी दे दूं, उसके दो कारण थे, राज्यों में मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कार्य और कांग्रेस की एंटी इनकमबेंसी, इनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार, दोनों का एक मिला जुला
आपने रिजल्ट देखा है, आप शिवपुरी की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये वही मध्य प्रदेश है। राय साहब एक सवाल मेरे अभी है, मैं ये वाली बात कर लेता हूं तो शायद अच्छा लगता है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जी। 2009 में भी अगर मध्य प्रदेश का देखे, वहां शिवाजी सरकार हमारे अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं, करियर विधानसभा के जो रिजल्ट थे और उसके बाद जब आपके लोकसभा के चुनाव हुए तो सीटें उस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुई जिस तरह से विधानसभा में देखने को। लेकिन लग रहा है कि चंद्रशेखर राय काफी उत्साहित हैं उसको बताने में जी। मैं आपकी एंटी इनकंबेंसी नहीं, एंटी इनकंबेंसी की तो आप कहीं भी देखिए ना, आप किसी भी सरकार की अगर आप बात करते हैं जी, अगर वोट परसेंटेज की बात करें राजस्थान को देख लीजिए आप, राजस्थान में गहलोत सरकार अपनी तरफ से जो भी काम कर रही थी या केंद्र सरकार ने जो केंद्र किया उसका खामियाजा उन्होंने राजस्थान में भुगता है। मध्य प्रदेश की जहां तक आप बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में वोट परसेंटेज बढ़ा और वोट परसेंटेज कन्वर्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिखाई देता है तीसरी बार सरकार बनी वहां पर। तो अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसका भी वही फॉर्मूला है, वही ट्रेंड आ रहा है। और केवल आप ऐसे मत जाइए, अगर आप आंकड़े देखते हैं, अगर माननीय मोदी जी के रैलियों को देखें, कुछ और पार्टियां लड़ रही हैं उसके भी यही दावे हैं कि हमें मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप बाकी चीज देखिए। अभी आपने कहा कि अगर सोनिया गांधी की रैलियों को देखते हैं, राहुल गांधी की रैलियों को देखते हैं या किसी और पार्टियों की रैली को देखते हैं तो किस तरह का उत्साह है, वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियों को देख रहे हैं तो लोगों में उत्साह है। और ये इस तरह के रैली, इस तरह के जहां रैली होते हैं उसके आसपास एक बड़ा मैदान चुना जाता है और ऊपर काफी बसें और ट्रक वगैरह लगे होते हैं, तो उसका क्या मतलब नहीं, उसी से लाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां पर पहुंचने के लिए आएगा तो निश्चित रूप से उसको साधन चाहिए, ट्रक लगेगा, तो पार्टियां उपलब्ध कराती हैं जी। अनीश दुरानी जो बातें चंद्रशेखर राय कह रहे हैं, अपने संग लाए हुए जो कार्यकर्ता आते हैं उनके लिए एक साधन चाहिए। अब आप अगर इसको ये सोचते हैं कि नहीं साहब ये बसों से लेकर आदमी भरे जाते हैं तो सब भर सकते हैं, क्यों नहीं सोचना, इसमें सोचना कुछ नहीं। अनीश दुरानी जो बातें चंद्रशेखर राय कह रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि जो वोट फीसदी बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका झुकाव है और लोग आजीज और तंग आ चुके हैं करप्शन से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से। मेरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपके नेता किसी भी मंच से कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं, इसका लोगों में गलत संदेश गया और आपके नेता उसे काट करने में, बीजेपी के आरोपों का काट करने में बहुत सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उनके जो तर्क हैं जनता उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रही है। अनीश दुरानी, ये कह सकते हैं कि जनता जनता का एक सेगमेंट जो है वो उस तर्क से सहमत नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी कारण है महंगाई के, वो जो भी जिसको भी अर्थ थोड़े से इकोनॉमी के बारे में खबर है उसको ये आइडिया होगा और हो जाता है जब सोचता है कि ये महंगाई जो है ये एक ऐसी चीज है। इस हमारे इस स्टूडियो के पीछे में एक झोपड़पट्टी है, उसका देश के इकोनॉमिक्स अगर आप बताएंगे तो किस भाषा में आप समझाना चाहेंगे उनको? बेसिक देखिए, वो उसको बेचारे को तो अपने अपने रोज के काम वो मजदूरी करते हैं, जो तो देश की मुद्रा स्फीति, महंगाई, विकास दर के बारे में है कि बैठकर उसमें चर्चा की जाती है। तो जो 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 क्लास है, जो जो इंटेलेक्चुअल ये याची करती है, वो समझ सकता है कि दुनिया के अंदर आज दुनिया के अंदर हालत ये हुए कि नहीं, आपकी पार्टी दावा करती है गांव की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, और हिंदुस्तान जो है फिर भी उस सारी चुरमुराहट से बचा हुआ है, यहाँ लोगों की नौकरियां सेफ हैं, यहाँ के बैंक अभी तक सेफ है, बहुत से पूरे देशों के अंदर, यूरोप के अंदर कहाँ सेफ है, बहुत सारे यूरोप के अंदर और अमेरिका के नहीं। आपकी सरकार ने 1992 में हायर एंड फायर का मंत्र फूंक दिया था जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग सड़क पे आ गए, वो आए, लेकिन फिर भी देख आप देखिए ना इंटरनेशनल स्थिति को अगर आप देखेंगे तो हमारी सबसे कम बेरोजगारी उस इकोनॉमिक व्यवस्था की। आपकी पार्टी गरीब गुरबा की पार्टी कही जाती है, गरीबों की पार्टी कही जाती है, आम लोगों की पार्टी कही जाती है, अल्पसंख्यकों की पार्टी कही जाती है, लेकिन सबसे बुरी स्थिति उस क्लास की, इस महंगाई की मार सबसे अधिक उनपे पड़ी, इस गरीबी की मार उनपे पड़ी और ये जो करप्शन है उसके शिकार भी हुए। मनोज वर्मा जी, हाँ बताए राजेश साहब, मैं चाहूंगा कि जो इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, इकोनॉमी से पहले आप अगर एक चर्चा करें कि जो हमारा बजट है, जितने का बजट है उससे बड़ा हिस्सा कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई दिया है और उससे त्रस्त सभी लोग हैं, उसका एक इफेक्ट पड़ता है। जब आप कर्नाटक में लोग भी त्रस्त हुए, लाखों करोड़, कर्नाटक में क्या चीज आपने प्रूव किया बताइए? नहीं जाना चाहता हूं, वहां के भी लोग भी तो त्रस्त हुए, तो आप भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं प्रूव कर रहा है? आदमी जेल जा रहे हैं, प्रूव कर पा रहे, आदमी जेल जा रहे हैं उसका सब चीज दिखाई दे रहा है, सीएजी से लेकर सब लोग कर्नाटक में भी लोग जेल में पड़े हैं अभी तक, जमानत प्रूव हो रही है,
आप कल मांडी को देखिए और फिर करप्शन देखिए, राजा को देखिए, प्रधानमंत्री खुद कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं मेरे कहने से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मत कहिए, उनके संग रहने वाले सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके संग रहने वाले प्रिंसिपल एडवाइजर जो मीडिया देख रहे हैं वो कह रहे हैं, मेरे कहने से कह रहे हैं आप लोग, तो मेरे कहने से मत जाइए। ये इसका असर लोगों पे पड़ता है। आप इकोनॉमी समझा रहे हैं कि ग्लोबल हो गया, अरे भाई ग्लोबल हो गया, आप कितने लाख करोड़ रुपए खा गए उसका एक इफेक्ट नहीं पड़ रहा। आप ये एक लाख करोड़ रुपया बचा होता तो झूठ के गरीबों के काम आता। बहुत ये कहने, असल में सारा भ्रम ही आप लोगों ने यही पैदा कर रखा है, ये खा गए वो लूट गए। अभी 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 ये इस खाली कहने से कुछ नहीं होता, कोई चीज आप अनिश दुरानी जी अभी एक समय छोटे से ब्रेक का बन रहा है हमारे साथ, आप इंतजार करिए प्रूफ भी होगा। जी तो आज हम बात कर रहे हैं पांचवें चरण के चुनाव पर। मनोज वर्मा, इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियां ने कई रंगीन लुभावने वायदे किए, सपने दिखाए, आश्वासन दिए, भरोसा दिलाया। इस तरह के भरोसों का ही कारण है कि लोगों ने बड़ी संख्या में वोट दिया, इन भरोसों पर लोगों का विश्वास बढ़ गया है। राजीव जी, इस पूरे चुनाव के दो पहलू हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां दिन में रंगीन सपने दिखाने के लिए जानी जाती हैं। दोनों पहलू बता रहा हूं। एक तरफ 10 साल कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार है, जिसने आरटीआई वगैरह तमाम दावे वो करते हैं, शिक्षा का अधिकार वगैरह उस तरह के दिए, कई अच्छी स्कीम्स, योजना, कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए कांग्रेस ने। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से देश में महंगाई बढ़ी, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सामने आया और जिस प्रकार से रुपया कमजोर होकर डॉलर मजबूत होता गया, अर्थव्यवस्था देश की चौपट होती गई, उसने एक तरफ वो देश का नक्शा था, दूसरी तरफ जो मुख्य विपक्षी दल है उसने अपना गुजरात मॉडल दिखाया। दोनों ने अपने अपने आप को देश के सामने रख रहे हैं और देश की जनता दोनों का विकास और दोनों की दावे प्रतिदावे देख रही है। सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया जा रहा है, धनपेशता का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन असल मुद्दे देश के सामने है क्या? आम आदमी का मुद्दा क्या है? उसे सस्ती रोजी रोटी मिल जाए, एक साफ सुथरा शासन मिल जाए, प्रशासन मिल जाए, भ्रष्टाचार जिस पर मुक्त शासन व्यवस्था हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, आम आदमी यही चाहता है। अब हर चुनाव को लाके धर्मपेक्षता, सांप्रदायिकता, ये दंगा वहां दंगा, जनता को जिस तरह से वो करा जा रहा है, मुझे लगता है कि इस देश की जनता एक साफ सुथरे शासन के लिए, एक अच्छी व्यवस्था के लिए, एक मजबूत भारत के लिए और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए वोट देना चाह रही है और हमें अधिक मतदान में वही रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा। चंद्रशेखर राय, अच्छे दिन आने वाले हैं ये आपकी पार्टी कह रही है और ये भी कह रही है कि 60 साल शासक को दिया, 60 महीने सेवक को दीजिए। इस 5 साल से अधिक आपकी सरकार नहीं टिकेगी, सत्ता में आती है तो, जैसा आपकी पार्टी बैनर लगा करके बता रही है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि आपके पार्टी के नेताओं की इजाजत नहीं है, एक ही मात्र नेता है नरेंद्र मोदी, और किसी को घूम करके कैंपेन करने का अधिकार नहीं है। यह तो आपकी पार्टी में लोकतंत्र, जो गहरी लोकतंत्र है उसकी उसमें लोगों की आस्था है, लेकिन हम यह सिर्फ जानना चाहते हैं कि मोदी ने जिस किसी भी राज्य का दौरा किया, जहाँ कहीं भी गए, बहुत सारे रंगीन सपने दिखाए और वायदे किए, उन वायदों का क्या होगा? राजीव जी, आप व्यवस्था वही है, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा। सवाल आप एक पूछते हैं लेकिन उनके अंदर 3 चीज़ें रहती हैं, मैं पहले शुरू से बताना शुरू करता हूँ। आपने कहा 60 महीने, 60
महीनों की जो बात, हाँ कुछ लगा हुआ है दिल्ली में, 60 महीने इसलिए कहा है कि लोकतंत्र 12-15-60 के तहत 6-5 साल तक, 5 साल के लिए होता है, मतलब 5 साल ही आप चाहते हैं, उसके बाद तो कैसे कह दे आदमी 50 साल के लिए दीजिए। अच्छा अगर एक बार चुनाव हो रहा है विश्वास देकर, हाँ अजमाइए, आप ही कहते हमें भी अजमाइए, हमने कहा कि 5 साल दीजिए, और कोई हम सपने नहीं दिखा रहे। अच्छा अगर मोदी जी इस बात को कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो वो इन बातों पर कह रही है कि आप गुजरात को देखिए, आप मध्य प्रदेश को देखिए, आप छत्तीसगढ़ को देखिए, आप राजस्थान को देखिए, आप बात करते हैं टोटल ग्रोथ का, अगर हम एक एक बात करें गुजरात के अंदर, तो गुजरात मॉडल के अंदर जो जो काम हुए हैं वो देश में कहने लायक है। आज एनडीए सरकार में अटल जी के समय में एक चला था बात कि हम नदियों को जोड़ेंगे, बहुत सारी जो आपने नहीं जोड़ पाए विफल हो गया, सरकारों ने नहीं कहा, लेकिन अगर किसी ने चलाया तो गुजरात में 20 नदियों को जोड़ने वाले मोदी जी थे। आपको बता दूं जिस समय मोदी जी ने वहां पर सत्ता में आए उस समय तालाबों की संख्या केवल 12,000 थी, आज उन्होंने पानी संरक्षण करके कम से कम 3.5 लाख तालाब बनाए। अगर आप स्मॉल स्केल हम ये बात कर रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री पद के अंदर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लोगों के जो रंगीन ग्रोथ गुजरात से होती है, क्यों नहीं इन बातों जो रंगीन सपने दिखा रहे हैं उन सपनों का यथार्थ क्या है? हमने रिजल्ट दिया है और रिजल्ट पे हम लोगों ने तीसरी बार हम लोगों ने क्यों नहीं अनिश दुरानी आपको आते हैं अनिश दुरानी अरिश दुरानी बात ये है कि ये आपके नहीं आपके नेता ने भी कुछ सपने दिखाए हैं और सपने मैं पूरी बात नहीं कह पाया राजीव जी क्योंकि आपने कई सारे प्रश्न पूछे थे। सपने दिखाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से जी, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, अब चुनाव आ गया तो आप अध्यादेश फाड़ते हैं, चुनाव आ गया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जाने की बात आ गई, चुनाव आ गया तो गरीब की रोटी खाते हैं, कमाल हो गया। आप 10 साल तक दिखाई नहीं दिया, आप सांसद रहे, आप उपाध्यक्ष हो गए, प्रधानमंत्री की बोलने की हिम्मत नहीं हुई और आप ऐसी स्थिति में आप रंगीन सपने दिखा रहे हैं। सपने यहां होते हैं कि आप ऊपर से नीचे तक डूबे रहे और डूबने के बाद निकल कर कहते हैं चाशनी से निकल, देखिए साहब हम ऐसे, आप ग्लोबल की बात करते हैं, हिंदुस्तान में कोई ऐसा काम नहीं किया आप लोगों ने बैठ करके, बिल्कुल जिसमें आप कह सके कि हमारा काम किया गया। अनिश दुरानी भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है और अब इस बार सरकार बनाने के दावे कर रही है, आपकी पार्टी जिन कुछ मुद्दों पर विफल हुई, चाहे महंगाई का सवाल है, बलात्कार जैसे मुद्दे पर जहां पूरा देश एकत्रित हुआ आपके खिलाफ माहौल बना, और करप्शन तो आपकी मूल पूंजी रही है, सिर्फ हम ये आपसे पूछेंगे, फिलहाल हम जा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जनता दल यूके चंद्रकांत जी के पास मैं पहुँचूंगा, उसके पहले अनिश दुरानी आपकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के आरोप का जमकर काउंटर नहीं किया और आपकी पार्टी का ये हश्र जो चुनावी सर्वे में दिख रहे हैं वो इसलिए हुआ क्योंकि आपकी पार्टी को बीजेपी ने और देश के दूसरे विपक्षी पार्टियों ने और मीडिया ने इतना करप्ट साबित कर दिया है कि उससे उबरना आपकी पार्टी के लिए संभव नहीं हो पाया, लिहाजा इस पूरे आंदोलन को अन्ना हजारे ने हड़प लिया। और ये पहली बार हुआ जब देश में एक गैर राजनीतिक नेता ने पूरे आंदोलन को, पूरे पॉलिटिकल मुद्दे को अपने हिस्से में कर लिया। नहीं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो कहिए कि एक गांधीयाई आंदोलन जो भी जिस आधार पे भी उन्होंने चलाया हो अपनी सोच के हिसाब से, उसको भारतीय जनता पार्टी और अरब संघ परिवार ने उसको किडनैप कर लिया। एक्चुअली ये हुआ है, ऐसा नहीं हुआ जैसा आप बता रहे, बल्कि जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ ऐसा हुआ है। जहाँ तक बात यह है कि भ्रष्टाचारों की बात, मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा एक सिस्टमेटिक भ्रष्टाचार की एक मिसाल अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दी जा सकती है तो वो कर्नाटक की है। लेकिन कर्नाटक तो एक स्टेट है, लेकिन आपके पार्टी तो आपके गठबंधन ने पूरे देश को लूटा ना, ऑर्गेनाइज करप्शन जिसके नहीं 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 वो तो ठीक है, वहां शामिल हो तो मैंने उनके अंदर नहीं नहीं चंद्रिका राय को जनता पार्टी चंद्रिका राय को वो हमने याद दिला दिया ढंग से करती है जी, मुस्लिम माइनॉरिटीज का जेनोसाइड करती है तो वो भी अच्छा, आप जो कुछ आपकी पार्टी में जो करप्शन होते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं जी, सिस्टमैटिक तरीके से करती है जी। मनोज वर्मा ये कांग्रेस को लेकर के जो सर्वे आ रहे हैं, क्या इसका कारण ये है कि कांग्रेस मोदी के या विपक्षी पार्टियों के या मीडिया के आरोप का प्रॉपर तरीके से सामना नहीं कर सकी? देखिए सच को झुठलाती रही, झुठलाने वाले गिरोह में कपिल सिब्बल और सरीखे नेता थे।
मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जिन सवालों का जवाब देना चाहिए था और जनता से सीधी बात जो करनी चाहिए थी, कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस के रणनीतिकार अब तक उसमें विफल रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर ज्यादा बोलते नहीं, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर दाएं बाएं बगले झांकते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर देश के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री वो खामोच रहते हैं और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीकरा फोड़ देते हैं कि देश में महंगाई अंतर्राष्ट्रीय कारणों से है। तो ये तो कांग्रेस का असल नेतृत्व रहा, वो लेके लड़ाई को जीतना चाहते हैं। सांप्रदायिकता बना धर्मपेक्षता और विकास, विकास 10 सालों में कैसा देश में हुआ वो सबने देखा, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन धर्मपेक्षता की जब आप बात करते हैं, जब आप गुजरात दंगों की बात करते हैं तो उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं, जब आप एक उंगली दूसरी तरफ उठाते हैं तो चार आपकी तरफ उठती हैं। आज 84 के दंगे की बात हो रही है, आज मुजफ्फरनगर के दंगे की बात हो रही है, आसाम के दंगे की बात हो रही है, लोग भागलपुर के दंगे की बात हो रही है। लेकिन मेरा कहना यह कि देश दंगों से नहीं चलेगा, दंगों को भैंस से नहीं चलेगा। भैंस होनी चाहिए महंगाई पर, भैंस होनी चाहिए भ्रष्टाचार पर, भैंस होनी चाहिए विकास पर। लेकिन कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इन असल मुद्दों से बचने की कोशिश करता रहा और वो लड़ाई को धर्मपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता बना के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि देश की एक जो जनता है वो चाहे माइनॉरिटी के लोग भी हो वो भी नहीं चाहते, क्योंकि माइनॉरिटी ने भी देखा चाहे राज किसी का रहा हो उसे दंगे मिले और दंगों के नाम पर सियासत मिली। इसलिए देश का चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो वो विकास और अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही वोट करना चाहता है। शिवाजी सर आपको आसाते हैं, शिवाजी सरकार जितनी बातें हो रही हैं उससे ये लग रहा है कि सारी पार्टियां पाक साफ हैं और वो बिल्कुल निर्विवाद भाव से लोगों के पास जा रही है और जो कुछ कह रही है वो पार्टियों के बाद जनता को मान लेना चाहिए। सारे गठबंधन कुछ देश की जनता ने अपनाया है, अजमाया है, भरोसा किया है। इस बार अगर एनडीए गठबंधन जिस तरीके से भरोसा दे रहा है, अगर हम बात कर रहे हैं फिर सर्वे की बात जिस पर माना जा रहा है कि पार्टी बढ़त की ओर बढ़ रही है, ऐसे भरोसे का हसर क्या होता है? आपने चीजों को देखा है अतीत में भी। देखिए भरोसे सर्वे पर अगर भरोसा करके ही राजनीति, नहीं अगर हम बात कर रहे हैं जो वायदे कर रहे हैं उन वादों का, उन सपनों का, उन इरादों का जो लोगों पर विश्वास थोप रहे हैं, उसका हसर क्या होगा? देखिए उसका असर तो ये कांग्रेस के जो वादे हैं उसको लोग देख चुके, बार बार देख चुके, बार बार भुगत चुके हैं और हर बार 1971 में गरीबी हटाओ से लेके गरीब हटाओ नहीं, हम तो एनडीए की भी बात कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ उस पे। जी जी, गरीबी हटाओ से लेके गरीब हटाओ तक के कांग्रेस के जो कार्यक्रम है लोग देख चुके हैं और बार बार उसमें फंसते चले गए। मैं सिर्फ एनडीए की बात में सिर्फ इतना कहूँगा, एनडीए ही नहीं जो गैर कांग्रेसी शासन जब केंद्र में रहा 96 से लेके 2004 तक, चाहे यूएफ का रहा हो चाहे एनडीए का रहा हो, उस दौरान जो है देश में सारी व्यवस्थाएं नियमित रही, महंगाई पर नियंत्रण रहा, बल्कि लोग कहने लगे कि इतनी महंगाई कम हो रही है कहीं डिफ्लेशन ना हो जाए, यहां तक मनोबत आ गया। जितनी भी चीजें चाहे गैस हो चाहे टेलीफोन हो चाहे कोई भी चीजें हो सुचारू रूप से हर जगह बिना ब्लैक के हर जगह खुलेआम मिलती थी और लोग गैस वाले घर पे आके पहुंचा के जाते थे। 2004 में जब वो सरकार चली गई उसके बाद से गैस की शॉर्टेज शुरू होगी, गैस की ब्लैक मार्केटिंग शुरू होगी, रियल एस्टेट प्राइसेस जो 8 साल जो बिल्कुल कंट्रोल में थे दिन रात बढ़ने लगे। और वही नहीं, उसके बाद हमने देखा उन दिनों जो खाने पीने की चीजें थी आसानी से लोगों को मुहैया हो रही थी 8 साल में जब कांग्रेस की शासन नहीं थी। बीजेपी ने भी कहा है कि हम प्याज 100 रुपए जब प्याज था दिल्ली में तो उसको लेकर के चुनाव लड़ी बीजेपी दिल्ली में और लोगों को कहा कि हमारी सरकार आएगी तो उसके लिए भी ये बिल्कुल प्रूवन रिकॉर्ड्स हैं कि नाफेड में जो कांग्रेस के जो उसके चेयरमैन थे उन्होंने प्याज के प्राइसेस को उस वक्त मैनिपुलेट किया जी, तो ये भी हम देख चुके हैं। और उसके बाद 2004 के बाद हम देख रहे हैं जितने भी खाने पीने की चीजें हो जो भी लोगों को मुहैया होती हो उस पे हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने गैस पे कैसे राजनीति की ये भी देख लीजिए, अब गैस जो है पहले उन्होंने कहा नहीं 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 15 लोग इतने गैस कैसे ले सकते हैं, उनको 6 गैस मिलेगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं 6 गैस से तो राजनीति नहीं चल रही है 9 गैस होगा, फिर 9 से 12 गैस होगा। अब गैस की ब्लैक मार्केटिंग जो है कांग्रेस खुले कांग्रेस करा रही है, सुधार रणनीति थी कि बाद में उसको बढ़ा दिया जाए, उसका श्रेय राहुल गांधी को दिया। लेकिन अभी अभी चलते हैं इंजीनियर चंद्रकांत के पास, चंद्रकांत तिवारी के पास, चंद्रकांत तिवारी सॉरी चंद्रकांत त्यागी जी, आप इंजीनियर हैं, सोशल इंजीनियरिंग को समझते हैं, आपकी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करिश्मा किया दिसंबर के आसपास के महीने में दिनों में, अभी जो वोट
में बढ़ोतरी हुई है उसको आप किस रूप में देखते हैं, किसके पक्ष में ये वोट जाता हुआ दिख रहा है? देखिए मुझे लगता है कि जो वोट की बढ़ोतरी है जी, वो इस वक्त हमारे देश में जिस सारी पार्टियां बात करें कि युवा वर्ग बहुत तेजी से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि जो युवा वर्ग पहले कभी वोट नहीं डालने में झिझकता था या नहीं चाहता था कि भाई ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं, और उसने अब टर्न अराउंड लिया है और नाउ दे वांट कि भाई हमें वोट डालना चाहिए और हमें देश के लिए सोचना है, अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना है, यही मुझे लगता है कि चंद्रकांत त्यागी, हमारा सवाल ये था कि ये जो परसेंटेज बढ़ा है वोट का, आमतौर पर एक धारणा जो अध्ययन है वो ये है कि सत्ता विरोधी रुझान का ये प्रतीक होता है जब बड़ी संख्या में लोग मतदान करते हैं, क्या आप इस पे सहमत हैं, इसी तरह का ही रुझान है? देखिए मुझे लगता है कि आम धारणाएं बहुत तेजी से टूट रही हैं पिछले 2-3 सालों में जी, तो वो आम धारणाएं इस बार आपको रिजल्ट में दिखाई देंगी कि क्या वो टूटी हैं या वो पहले जैसी ही आम धारणाएं चल रही हैं। नहीं, आपकी पार्टी इस तरह के इन उपायों पर अपना कॉपीराइट समझते थे कि देश के युवा आप पार्टी के साथ हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये युवा अभी आपके साथ बहुत दिन तक निभा पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल यू आर राइट कि बहुत दिन तक निभा पाएंगे, ये कौन प्रचार कर रहा है, ये सारे चैनलों पर सारे न्यूज़ मीडिया में ये प्रचार हो रहा है कि जी नहीं निभा पाएंगे, ऐसा क्यों सोचते हो आप लोग? मेरा मानना ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति सोचता ये जो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ, राजनीति पहले थोड़ा सुन लीजिए, जो भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ युवा वर्ग ने खड़े होने की सक्षमता दिखाई है, क्या आप लोग नहीं चाहते कि वो सक्षमता? अब वो बैठ गए हैं, वो आपके आपसे नाराज होकर बैठ गए, खड़े नहीं रहे। आपके पास फिर से आते हैं अनीस दुरानी, कांग्रेस नेता, जो बातें कर रहे हैं आपके नेता ने भी काफी सपने दिखाए हैं इस बीच चुनावी सभाओं में, मैं भी अभी थोड़ा धैर्य रखिए, काफी सपने दिखाए हैं मंच से, उन्होंने आपके नेता ने बांह मोड़े हैं, माइक मोड़े हैं, मरोड़े हैं, वायदा किया है, टॉफी बांटे हैं, तमाम तरह की चीजें की हैं आपके नेता ने, लेकिन करप्शन के मुद्दे पे राहुल गांधी चुप हैं। चुप तो नहीं है, देखिए एक उसमें एक लीगल प्रक्रिया चल रही है, महंगाई के मुद्दे पर सोनिया जी खामोश हैं। नहीं, कोई खामोश नहीं है, हर चीज की हर दफा हर तकरीर सिर्फ सांप्रदायिकता आपकी पार्टी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके कारण नरेंद्र मोदी आज यहां तक पहुंच गए, चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, हर 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 भाषण हर सभा के अंदर वो इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जहां तक बात यह है कि महंगाई और उसकी वो जी, आप मैं पहले भी एक बात जो कही है मैं उसी स्टैंड पर कायम हूँ कि ये बेसिकली एक इंटरनेशनल सिस्टम का रिएक्शन है जिसको हिंदुस्तान को झेलना पड़ रहा है। अनीस दुरानी, ये एक टाइमली फैक्टर है, कुछ दिन के बाद ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अनीस दुरानी, जो आमतौर पर जो कुछ सफलता मिलती है या जो कुछ पार्टी में होता है या पार्टी की तरफ से जो कुछ किया जाता है उसका श्रेय सिर्फ दो लोगों को देती है आपकी पार्टी, और वो दोनों एक रहते हैं तुगलक रोड पे या दूसरा रहती है जनपद पे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो जो चुनाव परिणाम आएंगे उसका श्रेय तो देना चाहेंगे राहुल गांधी को, क्योंकि उन्हीं कारण ही सारा बढ़िया कुछ हो पाया आपके लिए। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो उसका हेड है उसको श्रेय जाता ही, बिल्कुल जो परिणाम आएगा, जो बिल्कुल बिल्कुल जो परिणाम आएगा उसका श्रेय राहुल गांधी को और उनकी माता जी को जाएगा। हाँ मनोज वर्मा, जो दुरानी कह रहे हैं और जो इंजीनियर चंद्रकांत त्यागी ने बातें कही कि यूथ अभी भी उनके साथ है, मुझे लगता नहीं है कि युवा सोच अभी भी आप पार्टी के साथ है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पे आप पार्टी देश भर में बीजेपी और कांग्रेस को डेंट करने की स्थिति में है, खासकर शहरी क्षेत्रों में। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं मनोज वर्मा कि जो युवा सोच है क्या सच में वो आप पार्टी के साथ है? ये चंद्रकांत जी आपसे या जेडीयू से? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ आप पार्टी से। अच्छा, जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है राजीव जी, तो अगर इसको 1-2-3 महीने की हम राजनीति समझे आम आदमी पार्टी को, निश्चित रूप से देश के युवा, क्योंकि 11 करोड़ जो नए मतदाता बने देश के युवा, उनका मायने है युवा थे, उनकी बहुत उम्मीदें आम आदमी पार्टी से थी, कांग्रेस और भाजपा का उन्होंने शासन देखा, दूसरी राजनीतिक दलों को देखा, इसलिए निश्चित तौर पे देश के युवा लोगों को, खासतौर से दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी से बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन जिस प्रकार का 49 दिन का शासन केजरीवाल जी ने दिया उससे इस युवा वर्ग को बेहद निराशा हुई, इसलिए जितने भी हम सर्वे देख रहे हैं अब उस पर भरोसा करें या नहीं करें, हालांकि उनके अभी एक सर्वे करने वाले योगेंद्र यादव जी हैं वो शायद नहीं मानेंगे, तो जिनसे पता लग रहा है कि लगभग 10% लोगों का दिल्ली में आम आदमी पार्टी से मोहभंग हुआ है,
देश में जितनी भी खबरें आ रही हैं उसमें कहीं भी आम आदमी पार्टी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रही है। यहां तक कि शहरीकृत क्षेत्रों में यदि हम कुछ सीटें मुंबई की छोड़ दें या बंगलौर की सीट छोड़ दें या बनारस में कुछ चर्चा हो जाए केजरीवाल जी उसे छोड़ दें, तो मोटे तौर पर देश में जो मुख्य मुकाबला हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा है और राज्यों में क्षेत्रीय दल अपना अपना असर दिखा रहे हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो देश का युवा मतदाता जो है इस बार उस पार्टी को चुनेगा जो उसको ये विश्वास दिला पाएगा कि देश में बदलाव वो ही ला पाएगा। शिवाजी सरकार आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कांग्रेस का अगर मैनिफेस्टो देख लें उसमें दो वादे किए गए हैं जी। एक वादा है कि महंगाई जो है ये तो बढ़ती ही रहेगी, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। दूसरा वादा, लेकिन बीजेपी ने भी समयबद्ध महंगाई पर काबू करने की बात नहीं कही है। दूसरा भी और करप्शन के बारे में उन्होंने कहा है कि करप्शन के डेवलपमेंट का फेनोमेना ना ये तो चलता रहेगा। तो ये जो खास दो चीजें हैं जिसपे कि मेरे ख्याल में कांग्रेस को रूलिंग पार्टी होने के नाते उनको एक पूरे ऑथोरिटी के साथ कहना चाहिए था जो भी हो गया आगे से महंगाई नहीं होगा, ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो करप्शन के बारे में। मैनिफेस्टो कोट कर रहा हूँ और मैनिफेस्टो को मैं दिखा सकता हूँ। करप्शन के बारे में डेवलपमेंट होगा तो करप्शन होगा, करप्शन भी चलता रहेगा, महंगाई भी चलता रहेगा, हमारा जेब बढ़ता रहेगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भाजपा कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, मेरे आपकी इजाजत से मेरे मन में एक सवाल उठता है कि अंतरराष्ट्रीय अगर मान लीजिए इकोनॉमी का असर है, फ्रिज के दाम बढ़े हैं, मोबाइल महंगे हो, सब चीज महंगे हो, ये प्याज महंगे हैं, तुरई और लौकी आलू महंगा क्यों हो जाता है, हमको ये चीज आज तक समझ में नहीं आती। इसलिए कि डीजल महंगा हो जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। वो क्यों महंगा होता है मैं बताता हूँ, उनके लाने के साथ वो क्यों महंगा हो जाता है। डीजल पेट्रोल 10 साल के हुकूमत में डीजल पेट्रोल क्यों महंगे हो जाते हैं, कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग वायदा कारोबार, उसके जरिए जो घोटाले हुए हैं और वो घोटाला सुप्रीम कोर्ट में जो एमसीएक्स है उसके उसमें जिस तरह से आया हुआ है, ये सारी चीजें जो है कांग्रेस ने बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से चंद्रशेखर राय आपके पास तो सस्ती चाहती है, आलू तो सस्ता मिले, नमक तो सस्ता मिले। चंद्रशेखर आपके पास आ रहे हैं, उसके पहले इंजीनियर चंद्रकांत त्यागी के पास चलते हैं। चंद्रकांत त्यागी, आम जो परसेप्शन है वो ये है कि आपकी पार्टी बिखर गई है और तीन चार लोगों का जमात आपकी पार्टी और जमात को और फैसले को चला कर रहे हैं। हमारा सवाल यह है कि आपके नज़र में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में कौन ऐसी पार्टी है जिसको लगता है कि आप चुनाव के बाद सपोर्ट देने की स्थिति में होगी? देखिए, मैं पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूं जी। एक पार्टी किसको देना चाहिए ये अभी, ये चूंकि दो ही गठबंधन सरकार में आ सकती है, 16 मई के बाद ही किया जाएगा कि आप, हाँ बिल्कुल नहीं, आप 20 मई के बाद, 20 मई के बाद दीजिए, लेकिन किसको देना चाहेंगे आप ये देखेंगे। बड़े ही इस बार हिंदुस्तान की चौंकाने वाला फैसला करेंगे आप, चौंकाने वाले फैसले आने वाले हैं और समर्थन देकर वे चौंकाएंगे, ये भी हो सकता है बिल्कुल। चंद्रशेखर राय जी, इंजीनियर चंद्रकांत त्यागी ने जो बात कही कि चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं, अगर उनके पास 10 सीटें भी मिलती है और 10 सीटों से आपकी सरकार बनने से रह जाती है तो क्या आप चाहेंगे कि उस जमात का सपोर्ट लें जिसकी आप जिसे जिसके जिसकी क्षमता और समझ पर आपकी पार्टी कोसती रही है? मैं आप पार्टी का जो उदय हुआ है उसमें थोड़ा पीछे अगर जाएं, आप दिल्ली के अंदर से उदय हुआ उसका, और अगर आप पीछे देखें तो वो दिल्ली सरकार से त्रस्त थे लोग और इतना परेशान थे कि उस परेशानी में उन्होंने आम आदमी पार्टी के लोग जो जिस तरह से केजरीवाल, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि उनका सपोर्ट, मैं ये बात कह रहा हूँ दस तक जागा रहे हैं, मैं तो ये बात कहने जा रहा हूँ कि दस तक जागा रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी अब जाप करेगी, आप और जाप इकट्ठा मिलेगा और ये शांति से बैठेंगे जी, जी। जहां तक सवाल है कांग्रेस का, जो एक बात आपने कहीं टच नहीं करी है, मैं पिछले 10 साल तक जो बीजेपी जाप करती रही अब उनकी बारी है। बिल्कुल जाप नहीं किया, विकास किया, विकास दिखाई दे रहा है आपको अपने अपने राज्यों में। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देश में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं हम लोग अल्पसंख्यक के रूप में कहते हैं, इसका इस्तेमाल सभी पार्टियां करती रही हैं। आपकी पार्टी ने भी कैप पहन लिया, आपके अध्यक्ष ने कैप पहना, मैं अपनी पूरी बात कह लूं तो आपकी इस बात का जवाब दूंगा, क्योंकि मेरी अगर बात पूरी नहीं हो गई तो देश को यह संदेश नहीं जा पाएगा जी। जी, उन्होंने इस्तेमाल किया इन लोगों का, और इसलिए इस्तेमाल किया कि कहीं ना कहीं वो भोली जनता थी, 67 साल अल्पसंख्यक भोली जनता है, 67 साल से उनको पढ़ाई लिखाई में नहीं लाए,
मुख्य धारा में नहीं लाए और केवल फतवों की राजनीति में उसको चलाते रहे। सारी पार्टी इस बार तो आपकी पार्टी नहीं इस बार उसके दौर में आपकी पार्टी भी है। हमारी एजेंडा के अंदर अगर हमने इस बात के लिए कहा है तो हमने कहा है उनको मुख्य धारा में लेके आएंगे और उनको देश की उन्नति में एकदम भागीदार बनाएंगे जिससे वो पढ़ लिख सके और समझे कि विकास क्या है और फतवा क्या है। चंद्रशेखर राय जिस राज्य में मुस्लिम उलेमा आपके पार्टी के अध्यक्ष को कैप पहना रहे थे उस राज्य के 80 सीटों में एक भी सीट आप उस समुदाय को टिकट आपने नहीं दिया है। आप बात कर रहे हैं, नहीं हम बता रहे हैं आप बात करते हैं, मैं आपको गुजरात लेके चलता हूं। गुजरात में बहुत सारे बवाल करते हैं, गुजरात की सीमाएं नहीं मिलती यूपी से। आप किनकी बातें कर रहे हैं, कौन सीटों पर लड़ रहा है, ये कौन तय करेगा कि अगर आप ये कहते हैं नहीं इसलिए समुदाय से जब आप बनती है, जब आप अल्पसंख्यक बेहतरी की बात करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में आपने एक सीट तक नहीं दिया, फिर कैसे आप जाएंगे उनके पास। करती है पार्टी संगठन और जीतने वाला कौन, पार्टी की बात कर रहे हैं, ये तय नहीं करता है कि कौन किस समुदाय का है, वहां पर जीतने की स्थिति किसकी है वो तय करता है। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जितनी पार्टियां आज की तारीख में चुनाव में लड़ रही हैं उनके पास विकास का मुद्दा नहीं है, उनके पास वो भोली जनता है देश की जिसको बरगलाते हुए 60 साल से कांग्रेस आज कर रही थी। अनिश दुरानी अनिश दुरानी क्यों नहीं अनिश दुरानी किसी ने किया, मैं आपसे सवाल पूछता हूं अनिश दुरानी, जिस बड़े पैमाने पर आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी की मदद करने में लगी हुई है, आज करने में हाँ आज भी मदद किया आपके वित्त मंत्री ने ये कह करके कि मोदी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चीफ मिनिस्टर हैं, तो आपकी पार्टी ने कभी भी विकास के मुद्दे को नहीं उठाया, खासकर गुजरात के विकास के मुद्दे को, बराबर सांप्रदायिक मुद्दे मोदी, दंगाई मोदी, तो जो पैकेजिंग जो मार्केटिंग आपकी पार्टी ने किया है शायद उसी कारण से आज आपकी पार्टी उनके सामने एक निरीह की स्थिति में खड़ी है। देखिए ऐसा है कि गुजरात के विकास अगर आपकी पार्टी ने ये उनका मार्केटिंग नहीं किया होता मोदी की तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती। मार्केटिंग की तो जरूरत है, सबके सामने सारे देशवासियों के सामने चीजें, हाँ ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी इस मुद्दे को ज्यादा दोहरा रही है और इसलिए दोहरा रही है आज भी, आज भी पूरी ईमानदारी से समझ चिदम्बरम कहीं मुद्दा यही सोते हुए जाग गए, उन्होंने चिदम्बरम जी ने जो कहा वो उन्होंने उनको रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहा, उन्होंने उसका जवाब दिया, जैसे कहेंगे वैसे सुनेंगे, वो तो एक मामूली बात है उधर की, लेकिन ये ठीक है कि हमारी पार्टी रिकाउंटिंग के मुद्दे पर वो इतना बिफर गए कि वो ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चीफ मिनिस्टर रिकाउंटिंग, अगर हम बात करते हैं शिवगंगा में रिकाउंटिंग हुआ के लोग एनकाउंटर के मामला कोर्ट पे है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन रिकाउंटिंग पे पुणे से आज खबर आई है कि वहां वोट डालिए किसी को जाता है कांग्रेस को, ये टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी तो अभी वो असम के अंदर पकड़ी गई थी, ये टेक्नोलॉजी किसी को भी लगाया। अनिश दुरानी आप इस बात से सहमत हैं कि अगर आपकी पार्टी ने बीते 5 सालों में 10 सालों में या हाल के महीनों में मोदी की मार्केटिंग नहीं की होती तो शायद मोदी आज सर्वे में सबसे आगे नहीं होते? नहीं, हमारी पार्टी ने तो मैं नहीं समझता कांग्रेस ने मार्केटिंग करी है, मोदी तो कॉर्पोरेट सेक्टर के उम्मीदवार है, कॉर्पोरेट सेक्टर उनके फाइनेंस कर रहा है, वही उनको इलेक्शन लड़ा है। पार्टी को करते रहते वो ग्रुप गिरोह नहीं, ये वो तो देखिए आपके पार्टी को ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है, शिवाजी पॉलिटिकल पार्टियों को ये सरमाएदार सपोर्ट करते हैं, कोई नई बात, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी को प्रमोट किया गया है ये एक्सेप्शन है। समय बहुत कम है, ये शिवाजी सरकार आपके पास आते हैं उसके पहले इंजीनियर चंद्रकांत त्यागी के पास जाते हैं। त्यागी जी बहुत संक्षेप में, अभी आपने संकेत दिया कि चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं चुनाव के बाद, आपके जमात जो लोग चुन के आएंगे वो कहीं भी किसी तर्क के तहत किसी का सपोर्ट कर सकते हैं जो आपकी पार्टी चौंकाती रही। सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी भी पिछले 3 महीने से मोदी की मार्केटिंग की हिस्सा बन गई है, कांग्रेस को लेकर के आपकी पार्टी नरम दिखती है और शायद यही कारण है कि बीजेपी आप पे आरोप लगाती है कि आप दोनों का गठबंधन गठजोड़ है कांग्रेस और आपके बीच। नहीं राजीव जी, आप ये मेरे ख्याल है कुछ गलत परसेप्शन पब्लिक में या कुछ लोगों के बीच में जा रहा है, आप सच्ची बात, हमारे मुद्दे केवल बहुत संक्षेप में, बिल्कुल समय नहीं, संक्षेप में हमारे मुद्दे केवल स्वराज और जन लोकपाल में नहीं, बिल्कुल जी उन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे नहीं थे, और वो चाहते हैं कि इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक मजबूत जन लोकपाल की स्थापना होनी चाहिए और स्वराज की स्थापना होनी चाहिए। शिवाजी सरकार एक लाइन में क्या जानना चाहते हैं, एक लाइन में जिस पे बहस हो रही है, जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जो सरकार बनने की उम्मीद पाले जा रहे हैं और जो कांग्रेस कह रही है कि हमने उनके मार्केटिंग नहीं की है,
नहीं, आप जो कह रहे हैं एक बात सही है कि कांग्रेस ने बहुत संक्षेप एक लाइन बस, कांग्रेस ने इतना ज्यादा मोदी के खिलाफ प्रचार करने की कोशिश की कि पॉलिटिक्स आपका आपका काम आसान कर दिया कांग्रेस ने एक लाइन में। जी देखिए है क्या, ये मार्केटिंग का मामला नहीं है, ये दुष्प्रचार था मोदी के खिलाफ और जिसका फायदा समझेगा लोगों को लगा कि फायदा और नुकसान नहीं है। हम फायदा उठा रहे हैं कि हमने विकास की बात करी है, बिल्कुल, चाहे गुजरात मॉडल की बात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, एक चीज होती है राइट फॉर और अगेंस्ट, राइट टू मस्ट, तो कांग्रेस ने वो काम अनिश दुरानी एक लाइन में जी। हमने तो इलेक्शन का इलेक्शन शुरू होने से बहुत पहले से इस बात तो कह रहे हैं कि इलेक्शन विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल, और हम उस पर स्टैंड करते हैं। जो कुछ हमने 2004 में वायदे किए, 2009 में वायदे किए, उनको हमने पूरा किया। देखिए अगर सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्षता की बात है तो इस पे गुजरात के दंगे भी दुखद हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगों का भी उतनी जोर शोर से विरोध होना चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता के नाम पे जो पाखंड हो रहा है वो देश की जनता को जरूर निराश और हताश करता है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा की लगभग आधी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं, कांग्रेस भाजपा और दूसरी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत की दावा कर रही है। इस दौरान राजनीतिक दलों ने मतदाताओं से रंगीन लुभावने वायदे किए, सपने दिखाए और भरोसे भी दिए। देखना यह होगा कि किसका क्या हश्र होता है, इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।